मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बीजेपी बस्तर से चुनाव अभियान का शंखनाद कर रही है। बीजेपी 365 दिन 24 घंटे काम करने पर विश्वास करती है ताकि राजनीति को माध्यम बनाकर राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में पुरुषोत्तम भूमिका निभा सके। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, उन्होंने अपने जीवन का हर पल इस देश के लिए दिया है, उन्हें जनता जनार्दन के आशीर्वाद की आवश्यकता है। 11 की 11 सीटें आशीर्वाद के रूप में जनता पीएम मोदी को देगी। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। 5 साल तक भय, आतंक और तानाशाही के आधार पर भूपेश बघेल जी ने राज करने की कोशिश की। ये भय और आतंक और तानाशाही केवल विपक्ष के लिए नहीं था, केवल पत्रकारों के लिए नहीं था, केवल छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए ही नहीं था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी था। ये बात स्पष्ट हो चुकी है जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। किसी ने सरकारी जमीन को कब्जिया लिया, बिल्डिंग को कब्जिया लिया, किसी ने कुछ बड़ा कर दिया, हर तरह की हरकतें की हैं और अब सब लोग जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जनता जनार्दन कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं के उनके रवैये को अच्छी तरह से जान चुकी है और निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश का कमान तीसरी बार सौंपने के लिए ऐतिहासिक जनादेश के साथ छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भी तैयार है।